देख रहे हैं यूपी ब्रेकिंग न्यूज। प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक शगुन गौतम के द्वारा जनपद में अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु दिए गए थाना अध्यक्षों के निर्देश क्रम में जनपद के लालगंज प्रभारी तुषार दत्त त्यागी व उनकी टीम ने संदिग्धियों की तलाश में गश्त करते हुए कस्बा रानीगंज पहुंचे। तभी सर्विस लांस टीम प्रभारी विनोद कुमार सिंह अपनी टीम के साथ उसी तिराहे पर आ गए और आपराधिक गतिविधियों पर रोकथाम की चर्चा करने लगे। तभी मुखबिर की सूचना मिली कि हाईवे पे कुछ लोग आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने की फिराक में मौजूद हैं। मुखबिर की सूचना पर उक्त पुलिस टीम मुखबिर को साथ लेकर लालगंज दांदूपुर के पास लोनी नदी के पुल पर पहुंचे। वहां सरपत की आड़ में एक इंडिगो गाड़ी संदिग्ध अवस्था में खड़ी दिखाई दी। शक होने पर पूछताछ शुरू की गई तो गाड़ी में बैठे बदमाशों ने पुलिस पार्टी के ऊपर फायर झोंक दिया। पुलिस पार्टी ने उचित रणनीति व बल प्रयोग के द्वारा गाड़ी में बैठे चार अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। वह दो बदमाश अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार होने में सफल हो गए। गिरफ्तार अभियुक्तों को सरफराज उर्फ शेरू निवासी दहिला मऊ, जाकिर अली उर्फ गुड्डू निवासी भली मऊ, दशरथ यादव निवासी बुरका थाना जौनपुर, परवेज निवासी लालगंज। उक्त अभियुक्तों के पास से 1 12 बोर तमंचा, 2 12 बोर कारतूस, 1 315 बोर तमंचा, 3 कारतूस, 315 बोर, 2 चाकू, 2 चोरी की मोटरसाइकिल, 1 इनोवा कार लूटी हुई। लूट में प्रयोग होने वाली इंडिको कार, 70,000 नगद, 4 फर्जी पहचान पत्र बरामद हुए। यह जानकारी आज पुलिस कप्तान ने पुलिस लाइन स्थित साई कॉम्प्लेक्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए खुलासा किया। आशीष के साथ कृष्णभान सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें यूपी ब्रेकिंग न्यूज। गैंग का आपने खुलासा किया है तो ये किस तरीके से लूटपाट करते थे और किन राज्यों में जो है ये घटना को अंजाम देते? ये बेसिकली मोटरसाइकिल और ट्रक लुटेरों का गैंग है जिसके 4 लोग पकड़े गए हैं, सरफराज, जाकिर, दशरथ यादव और परवेज। इनकी मोडस ऑपरेंडी मूल रूप से ये है कि ये पूरा गैंग बना के चलते हैं और ट्रक लूट के समय बंद उसके ड्राइवर और क्लीनर वगैरह को बंधक बना देते हैं, उसके बाद ये ट्रक लेके चले जाते हैं और मोटरसाइकिल भी लूट की घटनाएं ये लोग करते हैं। ये गैंग पूरा थाना लालगंज पुलिस और हमारे यहाँ क्राइम ब्रांच के जो टीम इंचार्ज हैं उनके द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इनसे बरामदगी 2 तमंचे, 2 चाकू, 1 मोटरसाइकिल लूट, 2 मोटरसाइकिल लूट की मोटरसाइकिलें, लूट में प्रयोग होने वाली 1 अदद इंडिगो कार और इनसे लूट के 70,000 रुपये बरामद हुए हैं। और मेन चीज़ इनका है कि पूरे वाहन को जैसे लूटते हैं उसकी आईडी कागज़ उसका फर्जी तैयार कर लेते हैं, फर्जी आईडी पर उसको चलाते रहते हैं। तो एक तरीके से ये पूरा फर्जीफिकेशन है और इनसे हमने 4 अदद फर्जी पहचान पत्र भी बरामद किए हैं। तो इस तरह ये लुटेरा गैंग तो है ही, साथ ही साथ फर्जी सर्टिफिकेट बनाने में भी माहिर गैंग है जिसको ये गलत तरीके से वाहनों को लूट करके क्राइम में इस्तेमाल करते हैं। किन किन राज्यों में घटना का अंजाम दिया है? उत्तर प्रदेश में, और इसका जो उत्तर प्रदेश में तो मेन रूप से जो यहाँ के हैं, और जाकिर उर्फ गुड्डू है, इसने बम्बई में 4 घटनाएं में शामिल रहा है। क्राइम नंबर नहीं मिल पाया है, बट एक थाना किंग सर्किल मुंबई में, थाना गोरेगांव में, थाना बोरीवली में और थाना पीएनबी में। गोरेगांव में लूट की थी इसने, बाकी 3 थानों में चोरी की घटनाओं में ये वंचित रहा है, नामजद रहा है। एक दूसरा मामला है